गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस इज एडी। आज जा रहे हैं भाई ग्रुप राइड में, बारिश का टाइम है, बाइकें खड़ी हैं, अभी बाइक भी इंट्रोडक्शन करेंगे। सो चलो चलते हैं जी, आज न्यू बॉयज इन द ग्रुप, आ जाओ भाई। तो अभी चल रहे हैं गाइस यहां से आसन बैराज की तरफ, थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं आज बारिश को। 125 ड्यूक, फिर गई है आरसी, फिर गया है बुलेट क्लासिक 350। इंद्रजीत भाई आज हमारे साथ हैं, तो अभी चल रहे हैं सीधा यहाँ से आसन बैराज भाई। मतलब मौसम ठंडा होना तो राइड करने का ना मतलब कि मज़ा ही अलग है। तो एक राइड होगी अच्छी सी, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। ये बाईपास चौक से क्रॉस होके, ओहो चिंटे लग रहे हैं भाई साहब, चिंटे मत मारो। तो गाइस अपना चल रहा है ग्रुप साथ में, ये सारा ग्रुप अपने साथ में आज, तो भाई मज़ा आएगा आज, आज की राइड होगी बढ़िया। इंद्रजीत भाई पे बुलेट बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी ये जा रही है भाई अपनी एम सीरीज, क्या बात है भाई का साउंड ना जो, ओहो साउंड यार इसका साउंड ना, मतलब इसमें एग्जॉस्ट की आपको जरूरत नहीं है, एक बेसिक सा साउंड है जो आपको मतलब कि ना एक सेटिस्फाई कर देगा आपके माइंड को कि हाँ माइंड सेटअप हो जाएगा आपका भी, हाँ यार इससे ज़्यादा साउंड क्या चाहिए बंदे को भाई, ऐसा लाइन चाहिए अपने पोंटा के अंदर। बाकी बात ऐसी है कि इसने ना भाई पीछे से सारा कुछ खोल रखा है, और जो छिंटे बज रहे हैं ना भाई इसकी शर्ट देखो, जस्ट डू इट ब्रो। भाई उत्तराखंड में हो गए एंटर, उत्तराखंड में आ गए हैं भाई, देव भूमि हिमाचल, आगमन पर आपका हार्दिक धन्यवाद। बाकी भाई पुल हो रहा है गीला पूरा, अभी पता नहीं कुछ है यार, पता नहीं अभी मुझे इतनी वो भी नहीं है नॉलेज, अभी पता नहीं है कि ये किस लिए हो रहा है। ओ बल्ले अंकल जी क्या कर रहे हो, आंटी को गिरोगे, देख लो भाई मतलब सामान की चिंता है, आंटी की नहीं है बेचारी की, अपनी धर्म पत्नी की भी, वो अगर गिर गई बेचारी है ना। बाकी यार ग्लव्स डाले नहीं है क्योंकि ग्लव्स अभी डालने का मन हो नहीं रहा था, मन गया वेदर ठंडा सा है तो हाथों में भी हवा ले लेते हैं। भाई पीछे आ रहे हैं दोनों भाई, आगे चल रहे हैं दोनों भाई, और क्या कहते हैं हम चल रहे हैं बीच में डीसीओ की तरह। वाह वाह बुलेट पे बड़ा मस्त लग रहा भाई, तेरे लिए बना बुलेट है, तेरे लिए बुलेट ही बना है, तेरे लिए ना बुलेट बना है। खड़ा अपना लाइनअप, तीनों बाइकें खड़ी हैं, दो KTM और एक यामा। तो अभी दो बंदे पीछे रह गए हैं, वो आने लग रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। फाइनली गाइस आसन बराज पे पहुंच गए हैं, थोड़ा सा भाई सबने थ्रोटर खोला अपना अपनी बाइक का, अब फिर जाके आया मज़ा। मतलब ज़्यादा नहीं भगाई, नॉर्मल चले हैं, बट ये है कि जब बाइक थोड़ा भगाई है तो फिर मज़ा भी। आए हाय हाय वो देखो कैसे छिंटे गिर रहे हैं भाई, लो जी लो भाई। यहाँ पे अंदर जाके बैठ रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे अपना लाइनअप लाइंस में, तो अच्छी लगेंगी बाइक साथ में खड़ी हुई। बस बस ठीक है, तो ये लगाते हैं अपना लाइनअप। हाय 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 आसन बराज भाई, ये इंद्रजीत भाई, तूने बड़ी भगाई भाई बुलेट भाई, बहुत बाकी है, अरे ABS है, कोई दिक्कत नहीं है, तकड़ा भगा रहा था भाई। गाइस ये खड़ा है अपना लाइनअप, अभी लाइनअप दिखा देते हैं। साथ में खड़ी है भाई R15M, ये खड़ी है क्लासिक 350, ये अपनी जाने मन खड़ी है भाई, ये खड़ी है RC 200 भाई, सबका ही प्यार होता है भाई RC 200, और ये खड़ी है Duke 125। सो ये अपना खड़ा है भाई लाइनअप, अभी यहाँ पे रुके हैं इस ढाबे में, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे की राइड को। फाइनली गाइस अभी चाय वगैरह पीने के लिए बैठ गए हैं, अभी यहाँ से थोड़ी देर बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे राइड को। आज बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम वेदर ऐसा ही हो रखा है, सारे में पानी है भाई, बट ये है कि चलो थोड़ा इन्जॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपना एक ब्लॉग बनाएंगे आप सबके लिए शेयर करेंगे। आज ग्रुप में बाइकें 5 है, इस संडे को शायद, इस संडे को होगा धमाल भाई, क्योंकि बाइकें आएंगी बहुत सारी, शायद सुपर बाइक भी आ जाए, अभी कंफर्म नहीं बोलता हूँ मैं, बट आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, जैसा भी होगा संडे का ब्लॉग मंडे को मिलेगा और उसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा। बाकी खड़ी हैं सारी बाइक, अभी यहाँ से यार आगे जाने का कोई प्लान है नहीं, अगर आगे गए तो पता नहीं है अभी अगर आगे का कोई ट्रैवल करेंगे सो, वरना यहीं से हम रिटर्न मारेंगे। बाकी बाइक्स लेके आए हैं, बाइक्स भाई इतनी प्यारी लग रही है ना, आज थोड़ा बारिश की वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, यहाँ पे भाई खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है आसन बैराज में तो मोस्टली होती है। एक आगे जाके एक पार्क है, पार्क की तरफ भी जाएंगे, वहाँ पे जाके भी उसको भी दिखाएंगे आपको। तो उसके बाद यहाँ से चलेंगे घर, क्योंकि आज की जो वीडियो थी वो स्पेशली हमने बनाई मतलब कि एक राइड पे, क्योंकि राइड भी आज ज़रूरी है आपको पता है, इन्जॉय करनी राइड। बाकी अपना लाइनअप है भाई, अभी बीच में कोई बाइक लेके आए हैं भाई साहब, कितना तकड़ा सीन करा उन्होंने। बाकी ये बाइक्स खड़ी हैं हमारी, बार बार आपको बाइक्स ही दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि बाइक्स यार मेनली हमारी बाइक्स हैं। बाकी साथ में भाई आए हैं ये
इनकी है 125, ये क्लासिक अभी इन्होंने खरीदी है। बाकी आरसी वाले भाई हैं ये, वीडियो अभी आई है, एक ऑफ रोड करके आए हैं इसकी गाड़ी पे, जो 2010 में अमीर था ना वो लड़का ही है। सो फटाफट जाके वीडियो चेक करो, बढ़िया थी ना वीडियो भाई, क्वालिटी उसकी एक नंबर। सो भाई बाकी क्राउन पड़े हैं हमारे यहाँ पे सबके 5, ये भाई ने लगाया, बाकी हमारे हैं, बाकी चाय आ गई है जी, चाय पीते शुरू कर रहे हैं पेटीज और चाय से। तू नहीं पिएगा चाय तो पेटीज की? पहली मैंने यार ऐसा ना करो बच्चे का, चलो ले लो भाई ले लो यार, चाय पीते हैं जी, चाय गर्म गर्म है बस, स्वाद होनी चाहिए। बाकी साथ में बाइकें खड़ी हैं भाई, ये सबसे अच्छा व्यू है भाई, जब कहीं खा रहे हैं ना बैठकर साथ में बाइक होती है ना भाई, सबसे बढ़िया। इंद्रजीत ने इतनी भगाई ना भाई। सो गाइस खा पी ली है, चाय पी ली है, अब इसके बाद यहाँ से निकलेंगे पोंटा साहिब के लिए। इस बाइक देखो यार क्या प्यारी बाइक है, अब इसका भी देखते हैं, इसकी ये वाली बाइक में ना रिव्यू सोच रहे हैं करने की, मतलब ये वाला मॉडल ज़्यादा सेक्सी है, मतलब कि जो पुराने वाला अभी न्यू मॉडल आया ना उससे ज़्यादा सेक्सी ये वाला मॉडल है भाई, क्योंकि मुझे भी पसंद था पर मिला नहीं, फिर उसके बाद भाई शिफ्ट कर लिया यामा पे। फोटोज़ लेने लग गए हैं भाई, ये सारे काबड़ वाले हैं ना शायद, हेमकुंड साहब वाले भाई सारे आए हैं, बाइक इनको पसंद आई और फोटोज़ खींच रहे हैं बाइक्स पे। ये सबसे बड़ी खुशी है भाई बाइकर्स की ना, जब उनकी बाइक हो, मतलब कि ये चीज़ होती है ना भाई, सबसे बड़ी खुशी यही है। ये वही बड़ा काम करता हूँ भी जैसे भाई भाई एक बात बताते हैं हम आपको, जैसे कोई ना फोटो खींच रहा है ना तो आप कभी भी मत जाओ, अगर आपकी बाइक पर भी फोटो खींचा ऐसे मत करो, चाबी लगाई और सामने गए फोटो खींच लिया, वो गलत चीज़ हो जाती है, बंदा ना फिर पता क्या करता है, वो ना हट जाते हैं, खींचते नहीं है, वो सोचते हैं अपनी बाइक की वो दिखा रहा है ऐसा वैसा कुछ, फिर भी नहीं खींचते भाई। एक सीन हुआ था बहुत तगड़ा, भी बताएंगे कैमरे में बोलेंगे, फिर वो बेचारा थोड़ा बुरा मान जाएगा मुझे लग रहा है ना। तो भाई फोटोज़ खींच रहे हैं, फोटोज़ खींचते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए ये बारिश, ओ जस्ट डू इट, पीछे टी शर्ट तो पूरी गंदी हो रही है तेरी। सो गाइज अपनी जाने मन पे खींच रहे हैं फ़ोटोज़, देख रहे हो आप कितनी पॉपुलैरिटी है अपनी जाने मन की। सो फटाफट फोटोज़ खींचने देते हैं इनको, इनको भी नर्वस नहीं करते हैं, बड़ी जल्दी हेलमेट पहन लिया। सो भाई इसके बाद चल रहे हैं, सो गाइज चल रहे हैं यहाँ से, यहाँ से हो गए हैं फ्री। ये गाइस अपना लाइनअप, चलो जी चलो, थैंक यू। ज़्यादा बाइक होती है ना उतना ज़्यादा मज़ा आता है भाई, है ना? नहीं नहीं 120 ठीक है भैया, थैंक यू। ऐसा होता है कभी कम, साल में कभी कम भी होता है क्या? फिक्स अभी बढ़ेगा ये, ले ली अच्छा चल ले ले टिकट ले ले भाई, 500 रुपये जुर्माना है अंदर लिख रखा साहब। सो गाइस आ गए अंदर, टिकट लेके 20-20 रुपये टिकट ली है इन्होंने, मैंने तो बोला था अंकल जी बंदी कर दो, कहते अगर उसको बंद कर देंगे हमारी नौकरी बंद हो जाएगी। सो अभी अंदर आए भाई, लोकेशन प्यारी है यहाँ पे यार, शायद यहाँ रूम राम देते हैं ना रेंट पे, महंगे है पर बहुत, मतलब तुम आया है हंस क्या रहा भाई, हंसी तो कुछ ना कुछ है देखो भाई। चलो थोड़ी देर बैठते हैं अगर ऐसा होगा, एक तो आप कभी भी आओ ना इधरली साइड तो भाई कैश लेके आना, क्योंकि ए टी एम बोल रहा हूँ, पेटीएम वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं चलता है। सो बाकी इंजॉय करो आप, चल रहे हैं भाई वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर इंजॉय करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यार राइड करने आए थे, मैंने कहा चलो यार भाई और भी आए थे 2-3 भाई और भी आए हैं जिन्होंने हमारे साथ मतलब ज्वाइन किया है जो फर्स्ट टाइम ना, सो फिर उनके साथ हम राइड करने यहाँ पे आ गए हैं। बाकी अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे, बंदर बुंदर भी बहुत कम हो गए हैं भाई। बाकी ये लोकेशन चेक करो भाई, क्या बात है, ओहो भाई साहब लोकेशन बहुत तकड़ी है यहाँ पे। बच्चा थोड़ा सा ना वेदर का चक्कर है कि वेदर यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो रखा, अगर धूप होती तो ज़्यादा अच्छे से दिखता। एक भाई प्लीज़ कहीं आते हो ना ये आशिकियाँ मत किया करो, है भाई देखियो आशिकी इंद्रजीत अरुण काजल इंद्रजीत पीछे क्यों नहीं लिखा कुछ नीरू राज, मतलब ये कोई क्या है यहाँ पे भगवान आता है रात को देखने में, मैं तुम्हारी जोड़ियां बनाऊंगा। इंद्रजीत ने करे हुए बहुत काम, चल रहे हैं यहाँ से, वैसे तो यहाँ पे 120 रुपये लगाए वो वेस्ट ही गए, पर चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से
खुद कहाँ बोल रहा है इंद्रजीत, तू बोल रहा था कहते चलते हैं अंदर, मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने क्या बोला, मगर सीधे चलते हैं। इंद्रजीत के गड़ा है भाई 120 रुपए, जैसे इसकी सैलरी आएगी इससे 120 रुपए लिए जाएंगे भाई इस चीज के। बाकी आप व्यू चेक करो भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, व्यू देखो कितना प्यारा है यहाँ का, सारे पैसे व्यू के हैं। और ना आपको पता है हर ग्रुप में एक बंदा होता है फोटो खींच दे, ये बैठा है भाई, जब भी देख लो इनको पता लगे ना आईफोन है, फोटो खींच दे, बैठ के देखो चौड़ा हो गया ऊपर फोटो खींच। गाइस देखो आप फिर ना वो सामने अगर दिख रहा होगा जूम, ये देखो फोटो खींच रहे हैं मेरी बाइक पे भाई, लड़कियां फोटो खींच रही है मेरी बाइक पे। मेरी बाइक की कीमत होगी 8 लाख इंक्रीज कर दी भाई, अब नहीं, अब इसका इंजन है 1000 cc तो इसकी फोटो खींचते हैं भाई फटाफट, हमारे यार दोस्त की। वैसे मजाक चल रहा, भाई बहुत अच्छा बंदा है भाई, चल रहे हैं घर आज, कल मेरे भाई का बर्थडे भी है तो उसके लिए लेना है केक, केक भी ऑर्डर करना है अभी, तो अभी चल रहे हैं सीधा यहाँ से पोंटा साहिब, थोड़ा आगे देखते हैं जाना भैया, आगे चलते हैं थोड़ा सा, कह रहा है भैया आगे चलते हैं। इंद्रजीत को बाइक मिले तो इंद्रजीत ना थोड़ा सा मतलब ये चीज़ सोच रहा है कि जो पूरा मतलब कि एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ तक मतलब कि हम जा सकते हैं ना वहाँ तक मतलब कि पूरा खींच दें। तो भाई जब यहाँ से निकलते हैं, देख रहे इसको टिकट वापस दे के अगर पैसे दे दें हैं। सो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से, करते हैं बाइक स्टार्ट। सो गाइस रेडी टू गो, होती है यार जब लोग ना मेरी बाइक पे फोटोज खिंचवाते हैं, जब हम वहाँ पे खड़े तब भी लोग फोटो खिंचवा रहे थे, यहाँ खड़ी की है तब भी फोटोज खिंचवा रहे, मतलब खुशी होती है यार। देखो मैं नहीं कहता कि इतनी कोई बहुत बड़ी बहुत महंगी बाइक है, हर एक मिडिल क्लास बॉय इसको ले सकता है, बट ये चीज़ मैं आपको एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ कि देखो चीज़ बोलो जो लोग देख के ना मतलब एक बार कहें यार चीज़ क्या है। सो उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है, उत्तराखंड से भी हमें भाई बड़ा प्यार है, उत्तराखंड मुझे ये सिटी ना मुझे पसंद है, जैसे लोगों को यार कोई भी सिटी पसंद होती है तो मैं मुझे मतलब कि नॉर्मली है कि देहरादून मुझे पसंद है, इन फ्यूचर कभी मतलब कि मैं देहरादून के अंदर भी घर जरूर डालूंगा, जब पापा जी ने अगर कृपा करी तो घर जरूर डालेंगे इन फ्यूचर में। क्या हुआ कि हम ना मतलब कि वहाँ से अपना थंबनेल के लिए फोटोज ले रहे थे अच्छी अच्छी, भी थंबनेल अच्छा होना चाहिए देखो मेनली है ना, तो हुआ कि हमारे पास से लड़की निकल गई भाई, ठीक है अब आप राइडरों की बात सुनो, आप ऐसे ही हमारे पास से लड़की निकल गई, हम तो अपना नॉर्मल चल रहे हैं भाई, हमें पता है कैसे चलना है, तो भाई इंद्रजीत की कहीं जीभ निकल गई बाहर, इंद्रजीत ने जोर रेस दी इंद्रजीत ने भाई लड़कियों के पीछे ला ली उसने पूरी, बताओ यार देखो मतलब कि ऐसा भी सीन है भाई, ये है वो, ये है भाई, जैसे ही लड़की देखी ना भाई इसने जीभ लटका ली और ऐसे दौड़ाई ना भाई इसने चले, भाई सब कुछ ठीक है पर ऐसा मत करो यार इंद्रजीत भाई, ऐसे मत करो। बाकी गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और फेसबुक पे मेनली मेरी मतलब फैमिली बहुत बढ़िया, फेसबुक के ऊपर कम से कम 4-5 हज़ार मेरे मतलब कि फॉलोवर्स हैं जितने भी हैं, वो सब मिलके भाई मेरे चैनल मेरा जो पेज बनाया मैंने द रेड फेस के नाम से, ब्लॉग्स वहाँ पे भी आएंगे, ब्लॉग्स यूट्यूब पे भी आएंगे, जो फैमिली बाई चांस ऐसा होता है ना कि बहुत लोग खाली यूट्यूब नहीं चलाते हैं, बहुत लोग सिर्फ फेसबुक पे एक्टिव हैं, तो फेसबुक वालों के लिए भी पेज बना दिया गया है, लिंक में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसका लिंक, तो फटाफट जाओ उसको लाइक मारो, क्या कहते हैं बेल आइकन ऑन कर लो कि जिससे आपको पता लगा रहे कि कब मेरा ब्लॉग आ रहा है, सो उस पर भी कंटिन्यू करेंगे, आज ही बनाया है, सो फटाफट जाके लाइक करो शेयर करो कमेंट करो। भाई ने बनाई बहुत ज़्यादा सेक्सी एक रील जो कि मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, सो फटाफट जाओ और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम फैमिली भी फटाफट बढ़ाओ भाई, और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आ रहे हैं, वाला ब्लॉग तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा अच्छा क्योंकि इंजॉय करा है, दो राइडर हमारे साथ नए जुड़े हैं भाई, भाई बहुत अच्छे हैं दोनों, हम्बल हैं साथ में, मतलब कि हमारी दोस्ती अच्छी होगी है। RC पे भी ब्लॉग जल्दी बनाऊंगा, मेरी फेवरेट है, इसके ऊपर भी एक मोटो ब्लॉगिंग बनाएंगे वेरी सून भाई। गाइस जो KTM है, ओ भाई साहब KTM जो बिकती है ना इसके साउंड की वजह से बिकती है भाई, इसका क्या सेक्सी साउंड, थोड़ा रेस देना, हाय 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 हाय, क्या बात है, ओहो क्या बात क्या बात, गाइस फाइनली पहुंच गए वापस हमारे गुरुद्वारा साहिब, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, पापा जी नहीं करना है जो करना है, इन्होंने हमारा नाम करना है, इन्होंने हमें जो करना है इस रब ने करना है, तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, रब का नाम लेते रहो सब कुछ हो जाएगा भाई फ्यूचर में, आप बस उस रब का नाम लेते रहो। तो गाइस वापस आ गए हैं पोंटा साहिब, अभी मार्केट से होके निकल रहे हैं,
तो हुई ना बात। आ गया छोटा, उधर से उधर से, क्या बात है। ये पार्किंग वाले को देख, पार्किंग वाले को देख कैसे लग रहा। तुझे तरवाएगा चिक्कड़ में भाई, धोनी पड़ेगी दोबारा। फिलहाल की टूटी भाई करके कर लेते, तेरा इंडिकेटर ना जाए। फिलहाल इंडिकेटर गया। ड्रीम ट्रू ब्लॉग खड़ा है आजकल लाइनअप। एक बाइक और आ गई है बीच में, डोमिनार 400। तो भाई ये खड़ी है ड्यूक 125, मॉन्स्टर खड़ा है अपना, और डोमिनार 400, क्लासिक 350, और अपनी जाने मन खड़ी है भाई, ये खड़ी है KTM RC 200। तो ये हमारा लाइनअप है आज। भाई थे गुरुद्वारे के बैक साइड में थोड़ी देर, सन्नी भाई हमारे साथ आ गए हैं ड्रीम ट्रू ब्लॉग। और भाई ये लाइनअप खड़ा है इतना सख्त भाई, आज है इतनी बाइक ना एक साथ आज। मैंने भी पोंटा में पहली बार देखी है। इंद्रजीत ने दिखाई थी हमें एक बार सपना ना संडे का, तो इतनी बाइक आएंगी Z900। मेरे को भाई आज तक ना वो हमारे दिल में है, पता नहीं कब दिखेगी ये संडे। इस संडे देखो बोला तो है भाई को, पूछकर चलते हैं उनके पास। इसने स्क्रीनशॉट ये वो सब भेज दिए कि हाँ भाई चलो सारे चलो अभी चलो चाहे, क्योंकि पर फिक्स है संडे उनको। मेरी बात बाइक तो दिख जाएगी ना हमें, बाइक तो निकालनी पड़ेगी, निकाल देगा। बस चलो फिर आज देख के आते हैं, फिर चले जी। चलो अगर उसने फोन करके पूछ पहले भैया हैं दुकान पे, दुकान पे ही होते हैं परमानेंट। अच्छा चलो जी फिर चलते हैं, एक बार आपको लाइनअप दिखा देता हूँ। ये खड़िया हमारी ब्यूटीज, वही हमसे सुंदर तो ये लगते हैं, लोग देखते हैं ना तो सिर्फ इनकी वजह से हमें देखते हैं, बाकी शक्लें तो हमारी ठीक है ही नहीं। वही तो शक्लें तो हमारी ठीक है ही नहीं यार, तेरे साथ में मजाक करता हूँ, बुरा ना मानना कर भाई यार। बंदा ना इतना दिल मेहनत करी, इसने इतनी खतरनाक शॉर्ट्स बनाए ना भाई, अभी दिखाऊंगा भाई। इसको फॉलो करो, दिल जले गोलू, यही नाम है इसका, दिल जले गोलू। भाई देखो इसका दिल टूट गया, इसको छेड़ना मत, ट्रोल मत करना, पर दिल जले गोलू डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, कमेंट में स्पैम कर दो। हाँ दिल जले, दिल जले, दिल जले, किसी लड़की का नाम करना हैशटैग में। तेरे गजनी वाले हेयर स्टाइल है, चले चलो 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 चलते। ये बंदा ना ये देख रहा, चार चार पैकेट उठा लिए ना, एक साढ़े कई रिक्शा है ये है। एक दो पैकेट ले लिया, आज खत्म कर देगा। बिलाल कह रहा जुलूस कट देगा। आज बिलाल तेरा ना ये भाई 2 लाख रुपए की बाइक लेके चाउमीन बेचने चले। बिलाल दोस्ती खत्म। नाम उतरे का भाई ये बेकरी में, ओ भाई साहब तेरा तो पूरा जुलूस निकल रहा है। बिल्कुल आगे से घर ब्लॉग था यहीं तक भी, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, टाटा फॉर बाय।